जे एम बी मोबाइल फिर में आपका स्वागत है। यह रियलमी एक्स टू सॉरी यह आया है। इसमें डिस्प्ले में देख सकते हो आप एकदम क्लीन लाइनिंग दिख रही है। ये रियलमी है ओके। ये ऑन हो रहा है, बैटरी लो है और ये क्लीन देखो 1 2 3 पट्टे बराबर। इसलिए हम इसका डिस्प्ले रिमूव करना चाहते हैं और अपने रिम को रिमूव करते हैं। जो भी करेंगे लाइव करेंगे और अच्छे से करेंगे, आप देख पा रहे होंगे। स्पीकर की जाली वगैरह सब संभालनी है और हमने इसकी डिस्प्ले भी रिमूव कर दी है। डिस्प्ले का बेल्ट आराम से निकालना है, गम बहुत ज़्यादा प्रमाण में लगाया हुआ है पहले से ही। ये है ये ओके, ये बॉर्डर निकल गया है और जो अभी दूसरा डिस्प्ले डालने जा रहे हैं वो इस टाइप का है। ये देख सकते हो आप, ये डिस्प्ले यूज करना है। तो अलग से रखो देख रहे हो पूरा मदरबोर्ड को अलग करके कंप्यूटर पे काम कर रहे हैं। अरे अभी बोलने की कोई जरूरत नहीं, खाली गम स्टॉप कर दीजिए। पूरी तरीके से हमने गम रिव्यू कर दिया है और ये जाली है स्पीकर की, इसको संभालना है या सेंसर भी आता है उसको भी संभालना है। और जो भी गम है नॉर्मल प्रमाण में लगाना है, ज़्यादा गम लगाना है नहीं। ज़्यादा गम अगर लगा दोगे तो फिर दोबारा निकालने में आसानी होगी और ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं क्रिएट होगी, दोबारा इजीली निकल जाएगा और ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। और आपको सबको बताया कि नीचे के भाग में सबसे कम दम गम लगाना है, ज़्यादा प्रमाण में गम नहीं लगाना है, खास करके जाली को संभालना है और कॉलिंग सेंसर को संभालना है। देख सकते हो हमने पूरी तरीके से गम लगा लिया है, यहाँ थोड़ा थोड़ा टेस्ट करना बाकी है, खास करके कैमरे को साफ करना था, उसको हम साफ कर देंगे क्योंकि ऑलरेडी कस्टमर को कहना था कि उसमें बहुत ज़्यादा धूल बैठी हुई है फन कैमरे में और वो लेंस टाइप का आता है। इसको अच्छे से साफ करेगी ये देख सकते हो आप। I
कस्टमर का मोटरोला फोन का है सकते हो। ये पूरी तरीके से लग चुका है, बीच में एक्स्ट्रा साउंड है उसको इग्नोर करो। इसको एडिट करना याद रखना, ये आवाज को एडिट करने चालू सब किया। कोई बात नहीं, देख सकते हो आप हमने डाल दिया है। इसको एक बार ऑन करके देख लेते हैं। लगभग तो लग रहा है कि 1 mm ज्यादा लग रही है, थोड़ी बाहर आ रही है, लेकिन कोई बात नहीं, एक बार ट्राई करेंगे। क्वालिटी है, बेटर क्वालिटी है, इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा मेंटेन करने के लिए जैसे बैटरी है मोटरोला जो भी है, ये देख सकते हो आप रियलमी आ चुका है, क्वालिटी एक नंबर है। और रिजल्ट देख सकते हो आप पहले से, और इसमें बहुत ज़्यादा ज़मीन आसमानी फर्क है। और इसको चालू होते ही एक बार चेक कर लेंगे, उसके बाद पूरी तरीके से फिटिंग करना है और क्या क्या ध्यान देना है वो डिटेल में बताया जाएगा। एक बार चालू हो जाए तो आपको पूरी तरीके से बता दें। खाली टच वर्क होता है कि नहीं उसको देखना है। ये देखो हमने कम्प्लीटली मोबाइल चालू कर दिया है, बैटरी लो है और ये परफेक्टली वर्क कर रहा है और बहुत ही अच्छी क्वालिटी है। ओके, हम इसको प्रॉपरली फिटिंग करते हैं, पहले स्विच ऑफ करेंगे क्योंकि बैटरी लो है। ये एंटीना स्विच है, इसकी वजह से एंटीना का नेटवर्क सिस्टम में प्रॉब्लम आएगा, तो इसको अच्छे से एंटीना लगाना है। ये ऊपर से लगा हुआ था, हमने निकाल के जहाँ से आता है प्रॉपरली वहाँ से लगाया है। और आपने नोटिस किया होगा पिछली बार हमने एंटीना नेटवर्क लग गया, और अब लगाना है हमें जो भी एंटीना नेटवर्क है वो अपनी जगह प्रॉपर जगह होना चाहिए, इधर उधर नहीं होना चाहिए। इधर उधर रहेगा तो इसका जो फिटिंग है वो परफेक्टली नहीं आएगा और बिल्कुल भी परफेक्ट नहीं आता है अगर फिटिंग इधर उधर हो गया तो। अब इसको प्रॉपरली हमें इसको फिटिंग करना है, और जैसे कि आपने देखा होगा पूरे नेट उसके साथ ही लगेंगे, ना कि इधर उधर लगेंगे। देख सकते हो आप लॉक का आवाज आता है इसमें, पूरी तरीके से लॉक को फिटिंग करना है अच्छे से, और एक एक चीज को ध्यान रखना है कहाँ क्या प्रॉब्लम आने वाली है, और जितने नट है सबको इंस्टॉल करना है, एक एक नट संभाल के लगाना है, जहाँ जिसकी ज़रूरत हो वहीं पे लगाना है। और ज़्यादा करके हो सके तो रिपेयरिंग वाले बहुत कम नट लगाते हैं, अगर नट नहीं भी होते तो भी एंटर कर देते। और ये रियलमी XT है जो हम पूरी तरीके से इसको इंस्टॉल कर रहे हैं, ये दूसरी या तीसरी बार हमारे पास बन रहा है। ये ऑलरेडी ये 3 बार डैमेज हो चुका है पूरी तरीके से, फिर भी हमने इसको कम्प्लीटली वर्क या बना के दिया है। जैसे कि आप देख सकते हो छोटी छोटी चीज़ें पर हम लोग ध्यान देते हैं कि भाई इससे कोई प्रॉब्लम ना हो, और
पूरी तरीके से फिटिंग एकदम परफेक्ट आए। जैसे कि आपने देखा एंटीना से लेकर सब कुछ सब नट हमें प्रॉपरली अपनी जगह ही लगाए हैं, ना कि इधर के उधर। और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो में हमारे कमेंट करो, शेयर करो, और आपको ये चीज़ बताइए यूट्यूब के हमारे फ्री रिपेयरिंग क्लासेस चालू है जो 90 दिन का क्लासेस है, जिसमें से 18 एपिसोड डाल चुके हैं, 18 एपिसोड डाल चुके हैं और 8 प्लेलिस्ट में आ चुके हैं। अगर कोई बंदा नया देखने वाला होगा तो उसे रिक्वेस्ट है पहले से देखें, ना कि बीच में देखोगे तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा। पहले से देखोगे तो स्टेप बाय स्टेप उसको फॉलो करना पड़ेगा और बेसिक रिपेयरिंग आप सीख ही जाओगे। और ये भी डायरेक्ट सीखना तो हमारा यूट्यूब चैनल है, उसमें कमेंट कर सकते हो, या किसी टाइप पे वीडियो बनाना है तो उसको कमेंट कर सकते हो कि इस टॉपिक पे वीडियो बनाना है, उस हिसाब से आप हर चीज़ के लिए हमारे पे कमेंट कर सकते हो या बोल सकती हूँ कि इस टाइप का नहीं इस टाइप का वीडियो बनाना है, तो हम कोशिश करेंगे कि आपकी फरमाइश पूरी की जाए। जैसे कि आप देख रहे हो हमारे 3000 के ऊपर सब्सक्राइबर हो चुके हैं, ये सब आप ही की दुआ है, इतने सब्सक्राइबर हम गेन कर चुके हैं और अभी अच्छा खासा व्यू आ भी रहा है पहले से। जैसे कि आपने देखा है पूरी तरीके से हमने इसको इंस्टॉल कर दिया है, जैसे कि आप देख रहे हो पूरी तरीके से नट लग चुके हैं एकदम परफेक्टली, एक भी नट ऐसा नहीं है कि जो नहीं लगा हो। और हम इसको अभी चिपकाने जा रहे हैं, कस्टमर को रिक्वेस्ट की थी कि चेंज कर दो, कस्टमर का कहना था कि भाई कवर लगा के चला लेंगे, इससे कोई दिक्कत नहीं है। एक बार हम इसको ऑन करके देखते हैं, ऑन हो चुका है मोबाइल। तब तक हम गम लगा के उसको पूरी तरीके से अच्छे से फिटिंग करके देखेंगे, जैसे कि आप देख रहे हो गम लगा दिया है और हम इसको प्रॉपरली फिटिंग कर चुके हैं। अब हम इसको हल्का हल्का सा डब्बे लगा देंगे, जैसे कि आप देख रहे हो प्रॉपरली इसको फिटिंग करना है डब्बे लगा के। कैमरा वगैरह सब हमने जाली वगैरह सब अच्छे से साफ कर दी है, ज़्यादा राउंड नहीं लगाने हैं, नॉर्मली फिटिंग करना है। जो ज़्यादा हार्ड लबर होता है उसको कभी भी नीचे के या ऊपर के भाग में सेटिंग नहीं करना है, क्योंकि डिस्प्ले दब सकता है, इसलिए हम नॉर्मली लबर लगाएंगे, ज़्यादा नहीं लगानी है। आप देख सकते हो हमने पूरी तरीके से मोबाइल को सेटअप कर दिया है और बैटरी 1% है, इसलिए हम उसको चार्ज में लगा देते हैं, चार्ज हो रहा है, 1% पे चार्जिंग हो रहा है। ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और Realme XT ये जो मोबाइल है Realme XT है, ओके, अच्छे से बनाया है।